में आपको बताने, कई बार हमें प्रॉब्लम आती है कि हम जब साइड बैक करते हैं तो इसे थोड़ा सा यहाँ आगे पीछे आता है, तो उसके लिए हमें से करना है जो हुक पट्टी है उसको इस तरीके से पिनअप करके इस साइड से पिनअप कर लेंगे हम लोग, इसके साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद उसको इस तरीके से हम लोग प्रॉपर बिछा देंगे। अब देखिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो आ रहा है इसको हम लोग निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा हमारे पास क्यों आता है, क्योंकि जो ये सल जाता है इस सल में कपड़े में आने के कारण ये एक्स्ट्रा आता है। इस तरीके से दोनों तरफ से ये निकाल देना है। थोड़ा सा आपको इस तरह के शोल्डर में भी आगे पीछे आएगा। शोल्डर में क्यों आता है, क्योंकि ये वाला सल हमने बनाया हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से लेवल कर देंगे। नीचे का हमने ऑलरेडी मोड़ दिया। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा जो आगे पीछे है इसकी भी कटिंग करके इसको फिनिशिंग कर देंगे। जब इस तरीके से फिनिशिंग करके फिर हम लोग स्लीव्स लगाएंगे, या हम लोग जो पट्टी लगानी है, चाहे आप स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हो उस पर पट्टी लगा रहे हो तो आपकी प्रॉपर फिटिंग भी आएगी और यहाँ से कांख भी मिल जाएगी और कहीं पे भी आगे पीछे सल नहीं आए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह हमारे साथ बने रहे, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।